अगर फ्रेंड आप फिनो पेमेंट बैंक के एक रिटेलर हैं या फ्रेंड आपका फिनो पेमेंट सेविंग अकाउंट है, आप फिनो पेमेंट बैंक के काम्बो किट या फिर रेगुलर किट के बारे में जानते होंगे। आप किसी भी अकाउंट में जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं किसी भी बैंक में, तो वहां आपको एक एटीएम प्रोवाइड कराया जाता है। फिनो इसी एटीएम को काम्बो किट बोलता है, जिसके अंदर आपका अकाउंट नंबर और यहाँ से एटीएम रहता है। फिनो दो तरीके का किट प्रोवाइड कराता है, एक यहाँ से फ्रेंड आपको रेगुलर किट, एक काम्बो किट, जो कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोनों में क्या अंतर है। और साथ ही साथ मैं आपको फिनो के किट का अनबॉक्स भी करके दिखाने वाला हूँ और इसमें कितना चार्ज लगता है, कितना आप इस एटीएम की लिमिट रहते हैं, इनमें मंथली आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ए टू जेड जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपके भी बताऊंगा अगर ये किट आप लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, या फिर फिनो का रिटेलर आप बनना चाहते थे तो कैसे बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों का सवाल रहता है फ्रेंड कि फिनो पेमेंट बैंक का जो काम्बो किट आता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहता है और उसे आप कैसे यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा फ्रेंड फिनो के काम्बो किट में क्या क्या चीज़ रहता है, इसे अनबॉक्स करके दिखाना है। अगर आप ये किट लेना चाहते हैं तो किट कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार फिनो का काम्बो किट आपको आता है। फिनो में दो तरीके से किट आता है, एक फ्रेंड यहाँ से रेगुलर रहता है, दूसरा काम्बो रहता है। रेगुलर किट में फ्रेंड आपको सिर्फ अकाउंट नंबर रहेगा और काम्बो किट में आपके इसके अंदर डेबिट कार्ड रहता है, जो कि अभी मैं आपको आगे इस वीडियो में अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ। सबसे मेन होता है फ्रेंड, आप देखेंगे तो यहाँ से आपको पहले किट का नंबर मिल जाएगा, जहाँ से बता जाएगा कि बचत खाता और रुपये का प्लेटिनम डेबिट कार्ड आता है। इसका फिनो का दो डेबिट कार्ड आते हैं फ्रेंड, पहला क्लासिक और दूसरा प्लेटिनम। जो अपन के पास है फ्रेंड वो है प्लेटिनम डेबिट कार्ड, और यहीं से देख सकते हैं बताया जाएगा ये काम्बो किट है, रेगुलर किट ये नहीं। और फिनो का यहां से देख सकते हैं हेड ऑफिस के बारे में डिटेल में बताया जाता है। कुछ इस तरीके से फिनो का काम्बो किट आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां से इस किट के बारे में आप देख सकते हैं। ये काफ़ी सारे मेरे पास और भी किट हैं फ्रेंड, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये मैं आपको खाली फॉर एग्जांपल के लिए बताया हूँ, जो आगे कैसे लेना उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। तो एक किट को चलिए हम सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं, तो इस किट को हम यहाँ से ले लेते हैं। किट को ओपन करेंगे फ्रेंड इस पार से, यहाँ से देख सकते हैं आपको इसे ओपन करना रहता है, इस प्रकार ये चिपका हुआ रहता है। ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ से देखेंगे फ्रेंड, तो इसके अंदर आपके साथ इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ से आपको बताया जाएगा बचत खाता के बारे में और रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड, क्या क्या चीज़ें रहती हैं इनमें, दोनों में क्या अंतर, जिनमें देख सकते बताया गया डिजिटल बैंकिंग मिलता है, किसी भी समय आप बी पे ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के साथ कहीं भी लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा पेपरलेस बैंकिंग रहता है, लेन देन करने और फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक ओटीपी का प्रोवाइड कर उपयोग करके आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें तत्काल मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं आईएमपीएस के थ्रू किसी भी बैंक में। अतिरिक्त वित्तीय सेवाएं इसमें मिल जाती है, सब्सिडी वगैरह लेन देन कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ देख सकते हैं वाइड नेटवर्क, आपको यहाँ 4 लाख से प्लस बैंकिंग पॉइंट है, इसके बारे में बताया गया है। और यहीं से आप देख सकते हैं रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड के बारे में बताया गया, जिनमें 2 से ज़्यादा 2 लाख से प्लस पहुँच चुके हैं। यहाँ से 2 लाख का मुफ्त दुर्घटना मुक्त दिया जाता है, बीमा आपको अस्थायी विकलांगता रहती है इनमें, कार्ड का यहाँ से गुम जाने पर, इन्हें अगर कार्ड का गुम जाने पर आपको 75,000 तक का आर्थिक कवर भी मिलता है यहाँ से। और इसके 25 लाख व्यापारियों को दुकान से आप भी परचेज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार पीछे इसमें दिया रहता है, सामने यहाँ से देख सकते हैं किट नंबर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, और इसके बाद यहाँ से सारी चीज़ें आपको और इसे रीड कर सकते हैं। इसे फ्रेंड आप ओपन करेंगे तो यहीं से आपको मिल जाता है कार्ड, इसके बारे में बाद में समझेंगे। पहले और यहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं, जिनमें यहाँ से देख सकते हैं बताया गया शेड्यूल एंड चार्ज, जितने भी चार्ज फिनो में उसके बारे में कंप्लीट यहाँ से जानकारी दी गई है। कितने अकाउंट है जिनमें एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना है, मंथली एवरेज बैलेंस है, सभी अकाउंट के बारे में यहाँ से बताया गया, जिनमें यह प्रथम सेविंग अकाउंट है, सरल सेविंग अकाउंट है, शुभ सेविंग और भविष्य सेविंग अकाउंट है। कितने सब्सक्रिप्शन चार्ज रहता है, मंथली एवरेज बैलेंस कितना है, तो आपको प्रथम में देना पड़ता है 1,000 रुपये करना रहता है। इनिशिएटिंग फंड कितना करना रहता है उसके बारे में ऐसे बताया गया, यानी तुरंत अकाउंट ओपन कराते समय कितना आपको पैसा रखना रहता है, इसमें सेलर चार्ज, ये सभी चार्ज के बारे में इसके बताया गया है। और नीचे आएंगे तो कई अकाउंट मिल जाते हैं, जिनमें कैश ट्रांजेक्शन एंड फंड ट्रांसफर वाले अकाउंट जो हैं उसके बारे में आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है, जिनमें यहाँ से देख सकते बताया गया है कि प्रथम है, सरल सेविंग अकाउंट है, शुभ सेविंग अकाउंट, भविष्य सेविंग अकाउंट है। इनकी लिमिट के बारे में यहाँ से बताया गया, अगर आप इसे भी यहाँ से देखना चाहें तो इसे भी आप देख सकते हैं। और नीचे आएंगे फिर तो यहाँ से रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड के चार्ज के बारे में बताया गया है, कि इसमें से कितना विड्रॉल कर सकते हैं, कितना आपको लिमिट देखने के लिए मिलती है। अगर बात करें भविष्य सेविंग अकाउंट की, देख सकते हैं कार्ड का इशू नहीं होता, इसमें कार्ड रिप्लेसमेंट करते हैं फिर तो 200 रुपये लगता है, यानी इशू का कोई चार्ज नहीं है, रिप्लेसमेंट का आपको 200 रुपये चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके बाद एनुअल फीस भी इनमें नहीं लगती है, पिन जनरेशन नॉट अलाउड है इसमें, यहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़ें। और कहीं अकाउंट देखने के लिए मिल जाते हैं, सभी चार्ज के बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर इस बार की यहाँ से बात करें तो सभी चीज़ें आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिल जाती है,
अगर आप हिंदी में इसे रीड करना चाहें तो आप इसे हिंदी में रीड कर सकते हैं। यहाँ से फ्रेंड मैन हमारा आ जाता है ये कार्ड, जहाँ आपको कार्ड इस प्रकार चपसा हुआ मिल जाता है। जहाँ से देख सकते हैं कार्ड का नंबर यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है, एक्सपायरी डेट आपको इसकी मिल जाती है, इसकी एक्सपायरी डेट कब है। यही फ्रेंड आप इस कार्ड को चपसा हुआ रहता है, अगर आप इसे यहाँ से निकालना चाहें तो इस कार्ड को इस प्रकार आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। जिनमें यहाँ से कस्टमर का आईडी अकाउंट नंबर आप इस कार्ड के नीचे देख सकते हैं, यहाँ इस चीज़ को आपको यहाँ से मैच करना रहता है। ये कस्टमर आईडी अकाउंट नंबर वगैरह मिल जाता है, दैनिक निकासी कितना कर सकते हैं और यहाँ से दैनिक खरीदी की कितना लिमिट रहती है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और MD एंड CEO का यहाँ से आपको सिग्नेचर भी देखने के लिए मिल जाता है, कितना चीज़ें दी जाएगी यहाँ से आप उसे देख सकते हैं। अगर किसी कारण बस आप कार्ड को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं फ्रेंड, तो बाद में इस कार्ड को यहाँ से चस्पा भी कर सकते हैं। ये कस्टमर को आप अपने यहाँ से इस प्रकार कार्ड को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ डिटेल यहाँ से बताई गई हैं, जिनमें सेविंग अकाउंट वगैरह के बारे में, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये है फ्रेंड आपको यहाँ से रुपये का प्लेटिनम डेबिट कार्ड यहाँ से देख सकते हैं, इस प्रकार आपको कार्ड दिया जाता है। किट नंबर आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ से आपको जो है एक कॉम्बो किट रहता है, इसके में ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, जिनमें डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर रहते हैं, तो आपको फिर से इसी के अंदर आपको यहाँ से रख देना है। तो ये चीज़ें आप इस प्रकार फिर ये देख सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहता है मैंने अनबॉक्स करके दिखाया है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें। मन में कोई सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो फॉलो करें। मन में कोई सवाल तो वहाँ पूछ सकते हैं। और फिर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फिर आप ये कार्ड लेना चाहते हैं, कॉम्बो किट लेना चाहते हैं, तो इसके साथ अगर फर्स्ट टाइम आप ले रहे हैं तो आपको माइक्रो ATM परचेज करना पड़ेगा। आप आईडी चाहे जहां से भी लिए हो, लेना कैसे और अधिक जानकारी के लिए जो आपको स्क्रीन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन दोनों जगह नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक नॉलेजबल टॉपिक से मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।